नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। तो खबर आजमगढ़ से, जहां बुढ़रपुर के कोलसा के मुबारकपुर बड़ा गांव में नवदिवसीय भव्य संगीतमय श्री राम कथा के सातवें दिन शोभा कलश यात्रा निकाली गई। केशवपुर मठ से जलभर यात्रा निकाली गई। आज सातवें दिन भव्य शोभा यात्रा निकाल कर क्षेत्रवासियों को धर्म से जोड़ने का काम किया गया। वहीं बड़े ही धूमधाम से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बुढ़रपुर चौक से भीलमपुर छपरा कोलसा से ईश्वरपुर पवनी अकेडमी भरौली होते हुए पुनः मुबारकपुर बड़ा गांव स्थान पर पहुंची। कथावाचक बाल किशोर दास जी महाराज द्वारा बताया गया कि वैदिक मंत्र उच्चार के बीच कलश में जल भरवाया गया था। जल लेकर श्रद्धालु अनेक स्थान होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यहां कलश स्थापित किया गया। राम कथा परिसर में भी धूमधाम से कलश यात्रा निकली। वह 151 कुंवारी कन्याओं ने यह निकाला था और साथ में हजारों की संख्या में महिलाओं पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। यज्ञ के आयोजक अखिल भारतीय किन्नर समाज द्वारा आयोजित राम कथा की आयोजक किन्नर रेशमा दीदी ने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सोनी मुन्ना राजा चंचल मंजू पाठक बाबा छाया मनीष किरण नैना मुस्कान प्रदीप सोनी अंकित गुप्ता अमित राजा माली बुढ़नपुर अनेक लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहा किन्नर समाज के लोगों ने आपसे? तो पहले मेरा प्रणाम, मेरा परिचय है, मैं अहरौला थाना की रहने वाली चंचल बोल रही हूँ। रेशमा जो है ये हमारी बेटी है और यही सब करवा रही है। बहुत अच्छी बात है हमारे जनता के सुखी के लिए कि सब सुखी रहे, अच्छे से रहे और सब हमारे सब अच्छे रहे। आज क्या कार्यक्रम? आज यही था कि कलश यात्रा था। बुढ़नपुर गए हम लोग, बुढ़नपुर से घुमा के फिर केशवपुर में गए, वहां से फिर हम लोग यहाँ पे आए। 151 कन्या का कलश यात्रा निकला हुआ। हाँ जी, हाँ जी, यात्रा। हाँ बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो सनातन धर्म की, समाज की जय। मेरी रेशमा बेटी है और हम लोग बहुत इसको सपोर्ट करते हैं, बहुत हम लोग इसको मानते हैं। अपने मम्मी की बेटी हूँ श्री चंचल नायक किन्नर की, और ये मेरी छोटी मम्मी है किरण किन्नर। ये दोनों लोगों की मैं बेटी हूँ और इन लोग से बहुत सुख प्यार पाई जो मैं शायद अपने माँ बाप से भी नहीं पाई थी। जो इन्होंने सुख प्यार दिया मुझे, और आज का कार्यक्रम मैं अपने बुजुर्ग माताओं के लिए, अपने गुरुओं के लिए और अपने छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं उनके गांव घर के लिए, शिष्यों के लिए मैंने ये कलश यात्रा निकाली कि हमारे इस पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में, अम्बेडकर नगर क्षेत्र में जो है शुभ शांति हो और हमारे जजमान जितने हैं खूब अच्छे से रहें, अच्छे से कमाएं, अच्छे से खाएं और हमारी गुरु माताओं को अच्छा से अच्छा वो लोग सम्मान करें। हमारी गुरु माताएं हमेशा सदा उनके सुख के लिए कामना करें और उनको ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दें। हमारे जजमान जो है हमारे माँ बाप की कदर करें, हमारे माँ बाप हमारे जजमान को हमेशा जय जय बोलते रहें। अब बोलो इसी बात पे अखिल भारती किन्नर समाज की जय, क्या की जय, माई मौलिया की जय, सब संतन की जय, और ये बाबा जो आए हैं जो अयोध्या धाम से, इनकी भी सब हमारी पूरी पार्टी की तरफ से सदा जय। पहले राधे राधे, जय श्री राम। और मैं किरण किन्नर अर्धारण्येश्वर मंडली से बोल रही हूँ और मेरा एक किन्नर बिरादर जुटा हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया माध्यम के, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी मीडिया माध्यम से, उनको भी बहुत बहुत। आज कार्यक्रम यही हुआ है कि सनातनी जो सनातन धर्म का पूजनी जो हमारे माँ दुर्गा भवानी है, हम उनको यहाँ पे प्रतिष्ठान किए हुए हैं यहाँ पे, और कलश यात्रा निकाले हुए थे। कलश यात्रा निकला हुआ था मुबारकपुर, बुढ़नपुर मुबारकपुर से और मंदिर तक गया था बाबा का, वहाँ पे मंदिर केशवपुर मंदिर तक गया था। और हम यही दुआ करते हैं, इसीलिए माता जी को हम लोग बुलाए हैं, इसीलिए दुआ करते हैं कि हमारे जजमान, हमारे आजमगढ़ की जनता, देश प्रदेश सब सुरक्षित रहे और मालिक उनको काया में सुख दे, उनको बहुत सारी नौकरी का जिंदगी उनकी बनी रहे, इसीलिए हम लोग कामना कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, अर्धनारेश्वर भगवान की।